तुम कहाँ थे? अपनी टायन के साथ लगे हुए थे? चुप चुप, हमारी याद आ रही थी क्या? चुप रहो, आगे आगे क्या करें वो बताओ। आगे करें? अरे चुपचाप यहाँ पड़ी रहो, समझी? निकम्मे शहजादे, शिफान को बचाने में मेरी मदद करो। हो गया तुम? दिख नहीं रहा कितना बड़ा और कितना खतरनाक है। दिख तो रहा है, लेकिन जितना भी खतरनाक हो, है तो अकेला ही ना। हम सब कितने सारे हैं? हम सब एक साथ वार करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक साथ? मेरी बातें क्यों दोहरा रहे हो? शहजादे ऐसे होते हैं, और तुम चोरियां कितनी मतलबी होती हो। शिफान की बात आई दो टुकड़ी से, हम सब एक साथ। शिफान को बचाने में मेरी मदद करोगे या मैं अकेले जाऊं? हमें हर बार इसकी इतनी फिक्र क्यों होती है? कम्मी। हाँ करेंगे 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 मेरी मदद। थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है तो थोड़ा हंस लीजिए। पत्थर टहनी जो मिले उठा लो। इस नजर बच्चों को इतना परेशान करो कि हमला वमला सब भूल जाए। अरे मैं चटर पटर जीने को देख के आती हूँ। तुम दोनों ठीक तो? क्या ठीक, हमारा हालत खराब कर दिया। तुम दोनों तालीम घर जाओ, हम तुम्हें वही मिलते हैं। मेजबान शिफान। हाँ भाई भाई भाई, हमारी मदद करो। अरे तुम्हें उठाने में हमारी मदद करो। खेल गए। आइंदा से यहां नजर आए, नजर पट्टू की ऐसी नजर लगेगी कि तुम किसी को नजर नहीं आओगे। इस जादुई छड़ी की ताकत के लिए कड़कती हुई बिजली बहुत जरूरी है। उसी तरह हमें हमारे मकसद में कामयाब होने के लिए अलादीन का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जल्द वो सारी पहेलियां सुलझा देगा और फिर वो और हम दोनों साथ जाकर उस काले चिराग को ले आएंगे। आया का आया।
बेहतरीन। अच्छा, हमारा नया अंदाज देखकर फिसल गए जैफू। हाँ, बस अब यही रह गया था। क्यों लग रहा है कि ये जैसे कोई नई चाल चल के आई है? पता लगाते हैं। तुम्हारी चमकती आंखें, हमेशा की तरह तुम्हारी वो वाहियात हंसी और तुम्हारी थिरकती हुई चाल बता रही है कि हारने के बाद भी इंसान इस कदर खुश होता है। और हमें नहीं पता था कि खेल खत्म होने से पहले हार जीत का फैसला हो सकता है। लेकिन शायद आप इस बात से वाकिफ नहीं कि जिस खेल में हम होते हैं, हमारा खेला हुआ होता है। खेली भी हर एक चाल हमारी होती है, और यहाँ भी हर एक मर्तबा जीत हमारी होती है। तुम्हें हराना हमारे लिए चुटकी बजाने से भी मामूली चीज है, इसलिए बड़ा होने का फर्ज निभाते हुए तुम्हें इस बात का मशवरा दे रहे हैं कि जो तुम्हारे उल्टे कदम है ना, उन्हें लेकर पीछे चले जाओ। खुद को यकीन करना अच्छी बात है, पर ये यकीन नहीं, गुरूर है जफर, तो बहुत जल्द टूटने को है। कैसे? क्योंकि अब जिस मुश्किल से शहजादे का पाला पड़ा है, उसे वो तो क्या, उनके फरिश्ते भी नहीं हरा पाएंगे। अब तक जो हुआ सो हुआ, पर ये खेल तो मनहूस महजबीन ही जीतेगी। इंसान हो या डायन, हमारी बातों में फंसी जाते हैं। चटपटर और जीनू की भी हालत काफी खराब है। हल्दी वाला दूध पियोगे तो बेहतर। ये क्या? जहर। हल्दी वाला दूध है, लो चुपचाप पियो। हाँ। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। काश हमारे चोट खाने वाले नौकर आए होते। क्या है ना, हमने कभी चोट नहीं खाई। मैंने सुना था शहजादे बहुत बहादुर होते हैं, पर तुम तो एक झटके में लेट गए। कोई और दिन होता ना तो मैं भी यही कहती, लेकिन इस बार इस निकम्मे शहजादे को सचमुच चोट लग गई है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें चोट लगी कैसे, तुम उस नजर बट्टू के सामने कैसे पहुंचे। जंग में ऐसे छोटी मोटी चोटें लगती रहती है। शिफान, हमें तुमसे अकेले में बात करनी है। जाइए, मैं इस बुद्धू शहजादे के साथ थोड़ी देर तो बैठी सकती हूँ। हम अभी आए। वैसे तो किसी की मदद नहीं करते, कल भी मना कर देते। शहजादे तो ऐसे ही होते हैं, है ना? कम से कम तुम्हें ये चोट तो नहीं लगती। चोट हमें लगी है, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? चोट तुम्हारी वजह से लगी है। वो जब से आया है तुम अपना मकसद भूल गई हो कोयल। मैं सुल्तान याल आए थे, और अभी तक हम उनके किसी काम नहीं आ पाए। तुम बात को घुमा रहे हो। हमने अपनी आंखों से देखा था कि शहजादे तुम्हारी मदद करने आए, और तुमने उन्हें गिरा दिया। अगर हमने बड़ी उस्ताद को बता दिया ना कि तुमने क्या किया है, तो वो तुम्हें अभी के अभी इस इम्तिहान से बाहर निकाल देंगी। ये इम्तिहान नहीं, जंग है, और जंग में सब जायज होता है। अभी भी वक्त है, उस नाजुक से शहजादे को छोड़ो और अपने भाई की टुकड़ी में शामिल हो जाओ। हम जहां है वही ठीक है। तो फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जीत
धड़कते दिल की पहेली का हल और उड़ता लालटेन, मुझे सब चाहिए और शिफान को जो चाहिए वो चाहिए। सुनो, शिफान से दूर रहो, वो मतलब अच्छा लड़का नहीं है। मौका मिलते ही शिकायतें शुरू। तुम जैसे लड़के के साथ ना हमदर्दी करना ही बेवकूफी है। अम्मी, अलादीन, ख्याल रखना चाहिए था ना, कितने लापरवाह हो। बड़ी उस्ताद, आपको नहीं पता, मिजाजे ऐसे ही होते हैं। ये तुम्हारा जिन ठीक है? और तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। वैसे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभी लगता है कि तुम बहुत बेवकूफ हो, डरपोक हो, पर फिर कभी लगता है कोई बात तो है तुम्हें। पता नहीं आखिर तुम चीज क्या हो। हम वो चीज़ नहीं है, आपके बेटे हैं बेटे। हम पूछ रहे हैं आपके बेटे हैं, अगर होते तो उन्हें भी आप ऐसे डांट डांट कर दवा लगा रही होती ना। इसलिए तो हम कह रहे थे कि गुस्सा करने में और डांटने में आप सबकी अम्मी। अरे अलादीन, अलादीन आराम से, वो दरअसल ये मलहम ना शुरू शुरू में थोड़ा जलता है पर बाद में बहुत अच्छे से आराम देता है। तू ना अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोच। जैसे जैसे हाँ, आपके हाथ का शीर कौरमा बेटे की, तुम वो तो दुनिया की हर दर्द की दवा है अम्मी। खेल गए ये बेटे की, तुम क्या ये क्या कह रहे थे हम। इस लड़के को देखते ही मैं सब कुछ क्यों भूल जाती हूँ, इसका दर्द मुझे इतना परेशान क्यों करता है, ये अजनबी होके भी अपना क्यों लगता है। नहीं जानती इसका मेरा क्या रिश्ता है। पर इतना जरूर जानती हूं कि सफर के शैतानी इरादों के लिए इसे कुर्बान नहीं होने दूंगी। ना तो मैं इसे तैयार करूंगी और ना ही उस कमीने के पास भेजूंगी। ये उड़ती लालटेन, मकबरा, ये तो बस इन सब उलझाए रखने के तरीके हैं। जानते हैं कि आप हमें उलझा रही हैं। क्या? लेकिन आपको हमें पानी पे चलना सिखाना पड़ेगा। क्यों सीखना चाहते? वो हम नहीं बता सकते। अच्छी बात है, लालटेन लेकर आओ, आगे की बात फिर करेंगे। पल भर के लिए सही, छुट्टे ही सही, अम्मी का प्यार तो मिला। चिपक चिपक कर बैठने की क्या जरूरत है, क्या ही जरूरत है। दूर रहो चोरनी, दूर। आप और मैं एक साथ नजर बट पे हमला करेंगे, सीधे उसकी आंखों में। भाले तेज है, काम एक बार में हो जाएगा, और तुम फिक्र मत करना, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। मेरा निशाना नहीं चूकता यार, जुनू बेहोश है और हमारा दाया हाथ फिलहाल किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। और नोरा और जश्न, वो दोनों भी अभी थके ही हैं। यार अकेले पूरी टुकड़ी को कैसे संभाल लेगी? पर नहीं, हम हार नहीं मान सकते, नहीं हार नहीं मान सकते। और इस अधमरी टुकड़ी के साथ हम लड़े तो कैसे लड़े? आज के बाद हमारी कभी भी जरूरत पड़े ना तो किसी भी झाड़ी के पीछे जाकर 3 मर्तबा लकड़ी को ठोकना। अब वो जंगली ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। अका, जज्बा तो जबरदस्त दिखा दिया, लेकिन अब हम करेंगे क्या? हमें ना
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यही तो दिक्कत है कि हमसे कुछ नहीं होगा। ओ, होगा होगा, दिख जाओ दिख जाओ। कहा था ना लौट के मत आना, नजर लग जाएगी। पागल हो गए हो क्या? ज्यादा ऐसे ही होते हैं। अलादीन, मेरा बच्चा है तू। आका, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका दूसरा हाथ भी टूट जाएगा। याद किया? जंगली जी, दरअसल आपके मिलने के बाद ना हमारी मुलाकात उस नजर बट्टू से हुई, लेकिन आज फिर हम उसका सामना करने जा रहे हैं। उसका सामना करने में हमें आपकी मदद चाहिए, क्या आप करेंगे? ये निकम्मा शहजादा खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। शहजादे सोचते हुए कितने परेशान लग रहे हैं। अब इंसान को जिस काम की आदत ना हो तो उसे करने में मुश्किल तो होगी। मुश्किल मुड़ जाए, आका हवा में उड़ जाए। ची 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 ची। बच गया, बच गया, बच गया। सामना करने में हमें आपकी मदद चाहिए, क्या आप करेंगे? नजर बट्टू ने अरसे से अपनी पलकें नहीं झपकाई और ऐसा ना करने की वजह से वो एक अरसे से सोया नहीं है। अगर तुम कहीं जाकर उसे अपनी पलकें झपकाने पे आमादा कर दो तो वो लंबी और गहरी नींद में सो जाएगा। आवाज को, इस लोरी को मैं पहचानती हूं। कायदे से तो लोरी सुन के सोना चाहिए, मैंने रोना क्यों शुरू कर दिया?
अब आएगा मजा। Ha 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 ha